शंकर भगवान की जय। सनातन धर्म से मंदिर हुड्डा फेस्टो में कार्तिक की कथा शुरू हो रही है। पूर्णमासी 24 तारीख से यहाँ पर कथा चल रही है। उसमें शिव मंदिर में पंडित जी कथा कहते हैं और हमारे मंदिर में सबेरे को कम से कम 100-150 औरतें हो जाती हैं। पहले कीर्तन होता है, उसके बाद कहानियाँ होती हैं, उसके बाद पंडित जी की कथा कहते हैं, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, और पहले हवन होता है और उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। तो शिव मंदिर में कथा 24 तारीख से शुरू है कार्तिक की, और आज करवा चौथ का व्रत है। तो ये सभी भगवान से देवियों के लिए, मैं भी और ठाकुर की तरफ से सभी देवियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये करवा चौथ का व्रत जो आया है, ये सभी देवियाँ सुहागन रखती हैं, तो वे माता की तरफ से आशीर्वाद है इनका। और हमारे मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, सभी महिलाएं आती हैं, जिसमें मैंने 7 बार कह, मैं किरण वोसी बोल रही हूँ, और मैं 7 बार कहनी कह चुकी हूँ, मेरे मंदिर में कम से कम एक चक्कर में 50-60 औरतें आती हैं और सारी कथा सुनती हैं। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबको मेरा और ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। Yeah.
कर्क चतुर्थी का व्रत मंदिर में उपस्थित सभी महिलाओं ने श्री गणेश जी का पूजन और पार्वती माँ भगवती का पूजन करके प्रारंभ किया और यह पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है और इस व्रत के करने से पति की दीर्घायु होती है, धन धान की वृद्धि होती है और कुल में वृद्धि हो जाती है, इसलिए यह व्रत किया जाता है। और मंदिर में उपस्थित सभी महिलाओं ने इस व्रत का अनुसरण किया एवं पूजन किया। हम सभी कामनाएं करते हैं उनके जीवन की, पतियों की दीर्घायु हो एवं उनका जीवन सुखमय रहे, यही कामनाओं के साथ सभी को आशीर्वाद एवं सभी के लिए शुभकामनाएं। क्या नाम है पंडित जी? राम प्रकाश पाठक।